हमारा जो है सर आपको है कि हम अब यहाँ से जाकर बातचीत करनी है उसमें आगे काम ये है, लेकिन ये बात है कि हमारा आंदोलन जारी है और केवल ये भी है कि अगर सरकार इसी तरीके से काम करती है, नहीं हमारी बातों के ऊपर ध्यान देती तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेगा। सरकार की ओर से जो बात आई है वो वही की वही है जो जहाँ पे 8 तारीख को आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई, वही प्रपोजल है जो पहले थी और वो प्रपोजल उस प्रपोजल के ऊपर विचार चर्चा करने जी वो पूरे का पूरा एसडीएम बैठा है हमारा बाहर उसके साथ जाकर बैठेंगे और ये बात जरूर है कि हमें हमारी मजबूरी बनेगी अगर सरकार इसी तरीके से जिद्दी रवैया अख्तियार करती है तो फिर हमें मजबूर सुबह आगे बढ़ना मैं कहना फिर वही गल है जड़ी गल बात लंबी चली हर हर गल हम लोगों ने लंबी बातचीत की है सरकार के साथ, हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई है, हमने सरकार का जो भाव देख लिया है जी। हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सिंसीरियस है, हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी भी हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते, हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए, सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है, वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें नहीं कुछ नहीं चाहते। आपको इस दलील से लगेगा 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए, हमने तो एक बात की आप अनाउंसमेंट कर दीजिए MSP गारंटी का कानून, ठीक है आप CAC पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते जी। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया हम अपने दोनों फोरनों में उसका विचार करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और कल 10 बजे हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। कल 10 बजे जावांगे जी। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है वो सिर्फ केवल और केवल समय निकालना चाहती है। देखो आंदोलन तो है इसी का, असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कौन सी बातों में सहमति हो गई थी? मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं, अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शायद और। बैठक क्यों करवाई गई केंद्र सरकार? देखो गल बात तो जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे, अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। जिस तरीके से पूरा फोर्टिफिकेशन कर दी गई है, क्या किसान आहत है? देखिए हमने सीधा किया, आपने हरियाणा को कश्मीर की वादी बना दिया, और जिस तरह से इंटरनेट बंद हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है पूरे, और अभी पूरे पूरे जहां से आप दिल्ली में डिटेन हो गए किसान, मध्य प्रदेश में डिटेन हो गए, पूरे देश भर में डिटेन हो रहे, इसके बावजूद हमारा बड़ा दिल था हम बात करने गए,
हमने कहा कोई बात नहीं, आप इतना तंग कर रहे हो फिर भी बात करेंगे। देशवासियों को ये ना लगे कि हम अपनी ओर से बातचीत करना नहीं चाहते, मिल बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहते। कोई 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 मुझे कुछ भी कोई ऑफर नहीं है, बस समय 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 नहीं जी, बिल्कुल मैनू नहीं लगता वो सरकार दस दे अनाउंसमेंट करके। देखो बहुत बड़े पद से लखा किसान इकट्ठे